नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आए हुए हैं हरियाणा की फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है एक, उसके अंदर ट्रैक्टर मंडी लगती है, वहां पर हम आए हुए हैं और जो कि संडे के दिन लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है ये आइसर का 380, इसकी हम बात करेंगे। इसके टायरों की बात से कर लेते हैं सबसे पहले पिछलों की। तो गुडियर के जो इसके पिछले टायर हैं, साइज़ की अगर हम इसकी बात करते हैं और कंडीशन की अगर हम इसकी बात करते हैं, तो 13-28 के साइज़ है इसका टायर का। और कंडीशन आप देख सकते हैं, जो टायर हैं बिल्कुल ही जो घिस चुके हैं। और अगले टायर की बात करें तो 616 के अगले टायर हैं, अपोलो के हैं। हालांकि अगले टायर की जो कंडीशन है वो काफ़ी ठीक है इसकी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म की। इसका जो प्लेटफॉर्म है उसकी कंडीशन कैसी है वो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम आगे से आपको एक बार दिखाएंगे आगे से ये ट्रैक्टर कैसा दिखता है। तो आगे से ये ट्रैक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है। नंबर की बात करें तो HR22H यानी कि हरियाणा का नंबर है। बात करें मॉडल और कीमत की तो 2012 मॉडल है ये। कीमत की बात करें तो 2,50,000 इसकी जो कीमत है वो रखी गई है। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये, साइड से भी आप देख सकते हैं। अगले ट्रैक्टर के ऊपर आते हैं तो अगला है पावर ट्रैक 439 प्लस है, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये। इसकी बात करें अगला टायर 616 का JK का, कंडीशन काफ़ी अच्छी, बिल्कुल नया टायर है। पिछला टायर 12-4-28 का JK का ही है, कंडीशन काफ़ी अच्छी, बिल्कुल नया ही टायर है पिछला भी। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्लेटफॉर्म की। 41 HP कलर कैटेगरी के अंदर आता है ये ट्रैक्टर, 3 सिलेंडर है। तो जो कंडीशन है प्लेटफॉर्म की वो मैंने अभी आपको दिखाई। अब हम एक बार आगे से जो है इसको देख लेते हैं कि आगे से कैसा दिखाई देता है। तो आगे से ये ट्रैक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है। बात करें मॉडल की, मॉडल है 2018। कीमत की बात करें 415,000 इसकी कीमत रखी गई है। लेकिन यहाँ से जो आप इस साइड से भी जो है इसका प्लेटफॉर्म एक बार देख लीजिए, ये इसका बैटरी बॉक्स है। अब आते हैं अगले ट्रैक्टर के ऊपर। अगला ट्रैक्टर है पावर ट्रैक 439 के अंदर आता है, जबकि जो 439 है वो 41 HP के अंदर आता है। इसकी हम बात कर लेते हैं तो ये भी एक 3 सिलेंडर ट्रैक्टर ही है। इसकी भी हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करें पिछले टायर की तो 13-6-28 का गुडियर का पिछला टायर है। कंडीशन है तकरीबन 50-60% के आसपास। पीछे से भी दिखा देते हैं एक बार। पीछे से कुछ ऐसी कंडीशन है इसकी। एक बार आगे से दिखाएंगे कि कैसा दिखाई देता है। तो आगे से ये ट्रैक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये मॉडल है 2019। एक बार इस साइड से देख लीजिए, जंग नहीं लगा है ज़्यादातर। जो आपको लग रहा है ये धूल मिट्टी काफ़ी पड़ी हुई, जिसकी वजह से काफ़ी पुराना लग रहा होगा आपको, लेकिन जंग नहीं लगा है। बात करें मॉडल और कीमत की तो 2019 मॉडल, 410,000 इसकी जो कीमत है वो रखी गई है। अगले ट्रैक्टर के ऊपर आए तो अगला है महिंद्रा का 265 DI। इसकी बात करेंगे पिछले टायर 12-4-28 के अपोलो के, और कंडीशन की बात करें तो बिल्कुल नए ही टायर हैं। अगले टायर की बात करें तो 616 के हैं और ठीक कंडीशन है इसकी भी। उसके बाद आपको जो है एक बार आगे से दिखाते हैं। आगे से ट्रैक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है। और मॉडल की बात करें तो 2001 मॉडल है ये। इस साइड से भी आप जो है इसका प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, 2001 मॉडल, 205,000 इसकी जो कीमत है वो रखी गई है। अब हम आते हैं अगले ट्रैक्टर के ऊपर। तो दोस्तों जो अगला ट्रैक्टर है वो है पावर ट्रैक 439, यानी कि 41 HP कैटेगरी के अंदर आता है ये। ऊपर आप देख सकते हैं सादी कपड़े वाली छतरी है। जितने भी ट्रैक्टर अभी तक आपको दिखाए सबके ऊपर सादी जो है कपड़े वाली छतरी थी, ये मुझे ध्यान नहीं रहा उस समय जब दिखा रहा था, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और काफ़ी टाइम लग जाता है तो ध्यान इधर उधर होने लगता है शोर शराबे की वजह से। तो आगे इसके टायर आप देखिए, 616 के टायर हैं BKT के। सिलेंडर की बात करें तो 3 सिलेंडर ये ट्रैक्टर है, जो कि आप देख भी सकते हैं साफ साफ, आपको जो है यहाँ से दिखाई दे जाएगा 3 सिलेंडर है। बात करें पिछले टायरों की, पिछले 13-6-28 के BKT के टायर हैं। कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो 85% से ऊपर है इस टायर की कंडीशन,
जो कि आप साफ साफ देख भी सकते हैं। उसके बाद दिखाएंगे आपको इसका प्लेटफॉर्म कि जो प्लेटफॉर्म की जो कंडीशन है वो कैसी है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है इसके प्लेटफॉर्म की जो अभी मैंने आपको जो है इसकी दिखाई, और एक बार आगे से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आगे से ये ट्रैक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है। नंबर की बात करें तो HR20Z यानी कि हरियाणा का नंबर है। मॉडल है ये 2013। एक बार इस साइड से देख लीजिए, उसके बाद हम इसकी कीमत की बात करेंगे। तो 2013 मॉडल है ये, और कीमत रखी गई है इसकी 3,40,000। अगले पर आते हैं। अगला है सोनालिका DI 750 III। इसकी बात करें तो पिछला टायर है इसका गुडियर का 1428 का। कंडीशन की बात करें तो तकरीबन 75% के आसपास। ऊपर जो छतरी है आप देख सकते हैं, सादी कपड़े वाली छतरी आपको दिखाई देगी। कंडीशन आप देख लीजिए एक बार, तो कुछ जो कंडीशन है वो इस प्रकार है जो अभी मैंने आपको दिखाई इसकी। और DI 750 III है, तो ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। एक बार आगे से दिखा देते हैं, तो आगे से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हालांकि मॉडल की बात करें तो 2014 मॉडल है। प्लेटफॉर्म इस साइड से कुछ ऐसा है जो अभी मैंने आपको दिखाया। इसकी बात करेंगे कीमत की, 2014 मॉडल 4,30,000 इस ट्रैक्टर की जो कीमत है वो रखी गई है। अगले पर आते हैं। तो अगला है फार्म ट्रैक का चैम्पियन XP 37, जो कि 37 HP कैटेगरी के अंदर आता है। 3 सिलेंडर है, ये भी आप देख सकते हैं आपके बिल्कुल सामने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पिछले टायरों की। तो गुडियर का पिछला टायर है इसका 13/6/28 का। कंडीशन की बात करें तो तकरीबन 80% के आसपास। प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं, जैसी भी कंडीशन है वैसी की वैसी आपको दिखाई जाती है। अगला जो टायर है इसका 6/16 का, बिल्कुल नया टायर है गुडियर का। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर है। ऊपर आप देख सकते हैं सादी कपड़े वाली छतरी जो है आपको दिखाई देगी। एक बार दिखा देता हूँ कि आगे से कैसा दिखता है। तो आगे से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। बात करें इसकी मॉडल और कीमत की, तो 2015 मॉडल है ये। कीमत है इसकी 3,60,000। उसके बाद है आपके सामने सोनालिका का DI 50 सिकंदर। इसकी हम बात करेंगे, 3 सिलेंडर के अंदर आता है ये। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं सादी कपड़े वाली छतरी है। टायरों की बात करें तो इसके जो टायर हैं 14/28 के टायर हैं। कंडीशन की बात करें तो बिल्कुल नए टायर हैं, नंबरिंग भी अभी तक नहीं मिटी है। अगले टायर की बात करें तो 7/50/16 के टायर हैं अगले इसके, और JK के ही हैं चारों टायर। अगले टायरों की भी कंडीशन जो है इसकी काफ़ी अच्छी है। प्लेटफॉर्म की कंडीशन की अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म की कंडीशन भी ठीक लग रही है इसकी। बात करें मॉडल और कीमत की, तो 2016 मॉडल है मेरे ख्याल से। 4,60,000 इसकी जो कीमत है वो रखी गई है। उसके बाद है जॉन डियर का 5503। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जॉन डियर का है 5503, मॉडल है 2006। टायरों की बात करें तो पिछले 14/9/28 के टायर हैं। कंडीशन काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल नए टायर हैं। अगले 6/16 के हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर हैं। और आगे से कुछ ऐसा दिखता है। बात करें इसकी मॉडल और कीमत की, तो 2006 मॉडल है। कीमत की बात करें तो 2,50,000 इसकी जो कीमत है वो रखी गई है। पावर स्टेयरिंग के साथ में आता है ये। तो इस वीडियो में हमने बात की जॉन डियर 5503 की, उसके बाद सोनालिका DI 50 था, उसके पहले था फार्म ट्रैक XP 37, उसके पहले था सोनालिका DI 750, फिर था पावर ट्रैक 439, उसके पहले था महिंद्रा 265 DI। कीमतें सबकी बता दी हैं, चाहो तो जाकर देख लेना। पावर ट्रैक है 437, उसके पहले फिर था पावर ट्रैक 439+ है ये, और उसके पहले आपको मैंने दिखाया था आइसर का 380 जो आपके सामने हैं। तो दोस्तों इन सभी की कीमत मॉडल वगैरह सब कुछ हमने बता दिया। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अगर कुछ कमी रह जाती है, आपको कुछ सुझाव आप देते हैं कि ये चीज़ भी बताया करो, या फिर आपको कुछ कमी लगती है वीडियो के अंदर, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में हम उसको लाने की कोशिश करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, जल्द ही आपके सामने होंगे। उससे पहले ये देख लीजिए,
ये साइज रह गया था, ये आईसर 380 की बैक थी और ये पावर ट्रैक ही थी, देख सकते हैं आप। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।